बागली विधानसभा के अंतर्गत नर्मदा सिंचाई योजना का मुद्दा अब छाने लगा है। लगातार गांव में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए नेताओं का गांव में प्रवेश प्रतिबंध किया जा रहा है। बागली विधानसभा के लगभग 22 से अधिक गांव में अभी तक किसानों द्वारा मशाल रैली निकालकर नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ सभी राजनीतिक दल के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि अब राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आगामी दिनों में खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनावी हलचल शुरू हो गई है, जिससे कि सभी राजनीतिक दल के नेता अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विगत दिनों कांग्रेस एवं भाजपा के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसी के चलते बुधवार की शाम को बागली के ग्राम बरखेड़ा सोमा में भी किसानों द्वारा मशाल रैली निकालकर नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ अपना विरोध दर्ज किया है। वहीं गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर स्पष्ट लिखा गया है कि नर्मदा सिंचाई नहीं तो वोट नहीं, नेताओं का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। इस स्थिति में आगामी उपचुनाव के लिए गांव में प्रचार प्रसार करना नेताओं के लिए अब भारी पड़ सकता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आप ये मशाल रैली किस उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं? आज हमने जो मशाल रैली निकाली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपना प्रतिकार कर सके, विरोध कर सके, और सरकार के पास अब हमारा आवेदन और निवेदन का समय जा चुका है। अब केवल विद्रोह और हमें बागी होना पड़ेगा, नर्मदा जी को यहाँ पे लाना है, इसलिए रैली निकाली हमने। अच्छा, रैली निकालने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, लगभग 126 गांव जो छूट रहे, वो एक परिश्रमी किसानों का क्षेत्र है, और यहाँ पे केवल हम लोग पिछड़ा, हमारा जो पिछड़ापन है वो केवल जल की आपूर्ति ना होना इस वजह से है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।